Welcome to An Academy Gate MEpi -E. This is your educator, Upruv Rao, and you are watching the lecture series of Engineering Mechanics in your own K2K column to column batch. This is lecture number 11, and today we are going to solve statics problems based on friction. Yesterday we started. the new chapter of statics friction and in yesterday's class i explained all the basic concepts of friction and today we are going to solve some numericals based on those concepts तो so, बेटा आज की क्लास में कुछ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं हम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल्स आज की डेट आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं सो ऑल ऑफ यू हुई राइट नाउ प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर द लिंक विथ ऑल योर फ्रेंड्स वेलकम पुनीत वेलकम सन्यूअल वेलकम कार्तिकेयन दीपक मसूद ना बेटा इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज अप्रूप राव All India rank 320 in GATE Mechanical. I have done my M.Tech from IIT, Kharagpur. And my specialization was mechanical systems design. In my final year of M.Tech, I was recruited by Mahindra and Mahindra. And I worked in the field of design of cars. I was a part of some really cool projects like KUV, TUV, XUV500. And I worked as a design engineer for two years. Then I quit my job and i started teaching so i've been teaching for more than six years now and i teach subjects related to design som md em and tom and if you want to watch free lectures of these subjects and download the notes of these subjects then just open one link tinyurl.com slash approve10 ye a link open karlo tinyurl.com slash approve10 एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द लिंक ऑफ ऑल माई क्लासेस आपको मेरी सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी बस इस एक लिंक को ओपन करके देख लो यू आर गोइंग टू गेट ई बुक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गेट द लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द नोट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड इफ यू वॉन्ट टू

आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में पढ़ना है जिसका कि एक प्रायर शेड्यूल हो देन बेटा यू नीड टू टेक अन देखी प्लस असाइनमेंट यू आर गोइंग टू गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक डाउट क्लियरिंग सेशन यू आर गोइंग टू गेट द पर्सनल गाइडेंस ऑफ द टॉप एजुकेटर्स यू कैन चूज योर ओन एजुकेटर यू आर गोइंग टू गेट द नोट्स राइट आफ्टर द क्लास so beta it will be a complete classroom experience for you even better than classroom and you might be aware that we have recently got gate 2021 results and there are a lot of toppers air 12 air 23 air 24 air 36 air 117 air 147 beta there are lots of toppers from an academy ज द पावर ऑफ ऑनलाइन क्लासेज दिस इज द पावर ऑफ अन अकेडमी सो इफ यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इट देड अप्रूव टेन यू आर गोइंग टू गेट टेन परसेंट ऑफ एज वेल एज माई पर्सनल गाइडेंस तो बेटा अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनल गाइडेंस से आपको कुछ फायदा होगा तो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना अप्रूव टेन कोड यूज कर लेना यू आर गोइंग टू गेट टेन परसेंट इंस्टेंट ऑफ और आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपकी पूरी प्रिपरेशन के टाइम आई विल बी योर गाइड आई विल बी योर मेंटर आई विल बी योर फ्रेंड आई विल मेक श्योर दैट यू अचीव योर टारगेट नाउ अनदर वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू बेटा अन अकेडमी कॉम्बैट विच इज इंडिया बिगेस्ट गेमीफाइड वर्जन ऑफ गेट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस टूमोरो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च एट इलेवन ए एम एंड बेटा द टॉप थ्री विनर्स फ्रॉम ईच ब्रांच आर गोइंग टू गेट हंड्रेड परसेंट सब्सक्रिप्शन फी स्कॉलरशिप ऑन द अनअकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो टॉप थ्री विनर्स होंगे हर एक ब्रांच के उनको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलने वाली है अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे सो यू कैन बी वन ऑफ देम सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट देन बेटा एनरोल योर सेल्फ राइट नाउ गो टू अन अकेडमी लर्निंग एप

उसके टेस्ट वाले टैब में जाओ और रजिस्टर करो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट गुड इवनिंग नीतिश गुड इवनिंग गौरव गुड इवनिंग चंद्रशेखर हेमंत गुड इवनिंग गुड इवनिंग पुनीत गुड इवनिंग मसूद गुड इवनिंग दीपक वेलकम 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 नाउ बेटा यस्टरडे वी सॉ सम बेसिक रिलेटेड टू फ्रिक्शन राइट वॉट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फिस एंड आई एक्सप्लेन द एंटायर रीजन

then you get a graph like this right initially as the force will increase the friction force will also increase but this friction force has a maximum value this friction force has a maximum value which is known as the limiting friction and this maximum value is given by mu s into n so until the force

काइनेटिक कोफिश फ्रिक्शन आई एक्सप्लेन ऑल दीज कॉन्सेप्टेन आई एक्सप्लेन द लॉस ऑफ ड्राई फ्रिक्शन इन द लॉस ऑफ ड्राई स्टैटिकली प्रोपोर्शनल टू अपलाइड सेटेंट टू रिमेंबर ये तीन आपको याद रखने हैं then beta we saw the difference between slipping and tipping what is the difference between sliding slipping or tipping beta in case of sliding the body moves like this and in case of tipping the body tips like this right so whenever tipping is mentioned in any question the normal force will be acting on one edge the body will be resting on one edge so entire normal force will act on one edge other kicb question may tipping mentioned तो आपको करना क्या है पूरा का पूरा नॉर्मल फोर्स लगा देना है एक एज पे ओके देन ई सॉ फ्रिक्शन एंगल व्हाट इज फ्रिक्शन एंगल इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज the friction angle so let's say this is the normal force and this is the friction force so this angle is the friction angle which is denoted by phi and phi is equal to how much 10 inverse of mu phi is equal to 10 inverse of mu okay then we saw the concept of angle of repose now what is the angle of repose it is the maximum angle अप टू विच द बॉडी रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड सर्फेस इज नॉट गोइंग टू स्लाइड यह वो एंगल है जब तक एक बॉडी जो किसी इंक्लाइंड सर्फेस पे रेस्ट कर रहा है नहीं गिरेगा इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिकम्स ग्रेटर देन दिस देन दॉडी विल स्लाइड डाउन एंड वॉट इज द एंगल ऑफ रिपोज द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द फ्रिक्शन एंगल एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है मेरे भाई

So, Peter, let's solve the problems one by one. So, this is the first question in front of you. If the coefficient of friction between the surfaces is 0.45, the smallest force P required to keep the block from falling down is. Understand, we have a block here, okay, which is resting against this surface and we are applying a force P.

द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक इन द लिमिटिंग कंडीशन लिमिटिंग कंडीशन में इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अभी के अभी ड्रॉ कीजिए ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाय द इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड फाइंड द फोर्स पी एस So, right now, what are the forces acting on the body? Now, we assume G equals to 10, okay? Even if it is not mentioned, whenever I solve a question, assume G equals to 10. Okay. So what are the forces acting on the body? There will be weight of the body. 7.5 into 10, it will be 75. Okay. So 75 newton is the weight of the body. Then there is force P acting like this. okay at 40 degree angle now there will be a normal force and between the block and the surface and there will also be a friction force what will be the direction of friction force what are you assuming you are assuming that the body is just about to go down just about to slide down so the direction of friction force will be opposite means the direction of friction force will be up so it will be how much beta 0.45 n mu into n and mu is 0. 0.45 so it is going to be 0.45 n now how many unknowns do you see in this problem we have two unknowns n and p and how many equilibrium equations do we have two equilibrium equation summation of fx summation of fy so let's apply those equations Let's apply those equations. So summation of fx equals to 0 is going to give you what? Summation of fx equals to 0 say Aapko kya milne wala hai beta? The angle of P with horizontal is 40 degree. So I am going to get N minus P cos 40 equals to 0. This is one equation. And the second equation, second equation will be 0.45n 0.45n plus p sine 40 minus 75 equals to zero. So, beta, we have these two equations, right? My pass. These equation equations. So, by solving these two equations, we can find the value of p. न फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वट इज द वैल्यू ऑफ पी टू वन सेवन पॉइंट फाइव सिक्स न्यूटन आर यू गेटिंग टू वन सेवन पॉइंटन आर यू गेटिंग आपको इतना मिल रहा है टू वन सेवन पॉइंट फाइव सिक्स टू वन सेवन पॉइंट फाइव सिक्स इज एवरी वन गेटिंग दिस टू वन सेवन पॉइंट फाइव सिक्स ओके कुनाल हेमंत गौरव चलो सैलेमन मारिया इज ऑल्सो सेवन पॉइंट फाइव सिक्स नाउ बेटा लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग एन ऑल्टरनेट अप्रोच एक ऑल्टरनेट अप्रोच भी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का व्हाट इज दैट ऑल्टरनेट अप्रोच लेट मी टेल यू सो बेटा राइट नाउ दिस इज़ द वेट ऑफ द बॉडी दिस इज़ द फोर्स पी दिस इज़ द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स ओके

दिस इज सेवेंटी फाइव दिस इज पी दिस इज एन दिस इज म्यू एन नाउ अंडरस्टैंड आई टोल्ड यू दैट वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ फोर्सेस बाई टेकिंग रिजल्टेंट ऑफ एन एंड म्यू एन हम एन और म्यू एन दोनों का रिजल्टेंट ले सकते हैं वी कैन टेक द रिजल्टेंट ऑफ एन एंड म्यू एन लाइक दिस दिस विट ऑफ एन एंड म्यू एन एंड वॉट विल बी द एंगल ऑफ

24.22. So now we सो three वी हैव थ्री this एक्टिंग ऑन दिस बॉडी अब हमारे पास तीन हैं बेटा. 75 P and R. So can we apply Lamy's theorem here? Yes, आई कैन apply लामीज थ्योरम हियर राइट अब हमारे पास तीन फोर्सेस हैं. एक 75 है एक P है और एक R है and we know the angles beta we know this angle is 24.22 we know this angle is 40 degree right so now we can solve this problem by applying lamis theorem we need the value of p so p divided by sine of what is the angle between 75 and r 90 24.22 so it will be 114.22 Equals to 75 divided by sine of what will be this angle 180 minus 50 140 minus 24.22 it will be 115.78. So from here I am going to get the value of P yes. So what is the answer 75 sine 114.22 divided by sine 115.78 सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स ये भी सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स ही होना चाहिए यानी कि यह भी सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स ही था क्या एक बार चेक कर लेता हूं मैं यस yes. सो so, बेटा इट विल बी सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स यस 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 अपेश सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स ही था पहले भी लगभग लगभग सेवेंटी सिक्स न्यूटन ही था पहले भी यस yes, दीपक यस ध्रुव यस 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 चलो सो बेटा इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर वी हैव द टू अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आप एन और म्यू एन को अलग अलग भी कंसिडर कर सकते हैं और दोनों का रिजल्टेंट भी ले सकते हैं इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर टू एवरी वन यस चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे मेरे भाई जितने भी लोग अभी लाइव हैं सबके सब प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक बेटा शेयर द लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो इन लिंक्स को शेयर करो यस चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन So, this next question is this. A body resting on a rough horizontal plane required a pull of 180 newton inclined at 30 degree to the plane just to move it. It was found that a push of 220 newton inclined at 30 degree to the plane just moved the body. Determine the weight of the body and the coefficient of friction. Okay. So, understand beta. हो क्या रहा है इस बॉडी को दो तरीके से मूव कर रहे हैं ओके वी आर मूविंग द बॉडी इन टू डिफरेंट मेथड इन टू डिफरेंट इन वन केस वी आर अ अ पुल ऑफ ऑफ न्यूटन न्यूटन एंड एंड इन वन केस वी वी आर पुश नीड टू फाइंड विल बी द वेट ऑफ द बॉडी एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वट यू नीड टू डू वॉट यू नीड टू डू थैंक यू सो मच अपेस थैंक यू सो मच बेटा वट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ड्रॉ the free body diagram of both the cases and then you need to solve the equations okay so in first case, jo pehla case hai, in the first case we are applying a pull of 180 newton inclined at 30 degree okay so what will really be the free body diagram free body diagram kasabanega the weight of the body is how much अच्छा वेट ऑफ द बॉडी इज अनोन सो लेट्स अज्यूम इट इज डब्ल्यू मी कॉल दिस नॉर्मल फोर्स एन ओके नाउ वी आर अप्लाइंग ऑफ 180 एटी न्यूटन इनक्लाइंड एट थर्टी डिग्री ओके हम एक पुल लगा रहे बेटा पुल वाला फोर्स लगा रहे हैं इनक्लाइंट एट थर्टी डिग्री सो बेटा इट विल बी वन एटी न्यूटन ओके इनक्लाइंड एट थर्टी डिग्री अब बेटा अगर आप सोच रहे इफ थिंकिंग

have we applied equation of moment no in this question also we are not going to apply equation of moment so it doesn't matter exactly at which point you are applying the force okay matter point of application Okay. so beta this is the first case now there will be friction force also so we are trying to move this body towards right so friction force will be towards left and 180 Newton is just moving this body so beta I will assume limiting friction. मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन अज्यूम करता हूं ओके okay? मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन अज्यूम करता हूं सो लेट्स से इट इज म्यू एन बेटा हाउ मेनी अननोन्स डू यू सी हियर यहां कितने अननोन्स दिख रहे हैं हाउ मेनी अननोन्स डू यू सी हियर डब्ल्यू एन एंड म्यू यू आर सीइंग थ्री अननोन्स डब्ल्यू एन और म्यू सो कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जस्ट बाय सॉल्विंग दिस वन फ्री बॉडी डायग्राम नो यू कांट सॉल्व इट जस्ट बाय सॉल्विंग दिस वन फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम ओके नाव यू नीड अनदर फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है आपको एक और फ्री बॉडी डायग्राम भी चाहिए ओके आपको एक और फ्री बॉडी डायग्राम भी चाहिए सो so, नाव बेटा अपलाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशन ईयर यहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं ठीक है अप्लाई द इक्वलिब्रियम इक्वेशन वट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम समेशन ऑफ एफेक्ट्स इक्वल टू जीरो अच्छा वट वी कैन डू इज इस अप्रोच से बेहतर एक अप्रोच में बताता हूं यू कैन यूज द सेम अप्रोच वी यूज हियर ठीक है ये वाले अप्रोच से बनाओ ओके okay? ये वाले अप्रोच से बनाओ सो so, बेटा एन मू एन सो कैन आई टेक द रिजल्टेंट लाइक दिस एंड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद एन फाइव एंगल ठीक है सो नाउ अप्लाई द लामीज थ्योरम हियर अब यहां लामीज थ्योरम लगाओ ठीक है लामीज थ्योरम लगाओ अप्लाई द लामीज थ्योरम हियर बिकॉज इट इज गोइंग टू सेव टाइम ठीक है इससे टाइम की बचत होगी मेरे भाई इससे टाइम की बचत होगी ठीक है तो ये एंगल आपका है और ये एंगल आपका थर्टी डिग्री है सो वट इक्वेशन आर यू गोइंग टू गेट बेटा वट इक्वेशन आर यू गोइंग टू गेट अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू गेट दिस इक्वेशन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ वट इज द एंगल बिटवीन आर एंड वन एटी 150 प्लस सॉरी 180 एटी में अच्छा है इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना दिस इज 30 डिग्री दिस इज 30 डिग्री 90 माइनस थर्टी डिग्री सो दिस इज 60 डिग्री प्लस 5 साइन 60 प्लस फाइव सॉरी आई गॉट कंफ्यूज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ What will be this beta? 90 plus 90 minus 5. This is 90 minus 5. So 90 plus 90 minus 5, 180 minus 5 equals to r divided by sine of what will be this angle? 120 degree. Okay. So are you getting this? h is mil h is mil Okay. So this is beta one set of equations. Okay. ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस आपको मिल गई है अब दूसरे सेट ऑफ इक्वेशंस द सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशंस ओके सो इन द सेकेंड केस वी आर पुशिंग द बॉडी 220 न्यूटन वी आर पुशिंग द बॉडी बाय अप्लाइंग 220 न्यूटन अगेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द प्लेन इन सेकंड केस वी आर अप्लाइंग 220 न्यूटन तो सेकेंड केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सेकेंड केस का फ्री बॉडी डायग्राम दिस विल बी W इन दिस केस वी आर पुशिंग द बॉडी इस केस में हम पुश कर रहे हैं बॉडी को 220 ट्वेंटी न्यूटन ठीक है द नॉर्मल फोर्स विल बी एन ठीक है अच्छा इसको मैं एन वन ले ले लेता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा दिस इज एन टू ओके इसको मैं आर वन ले ले लेता हूं ना बेटा इन दिस केस वॉट विल यू द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स सो वी आर ट्राइंग टू मूव द बॉडी टूवर्स लेफ्ट साइड सो द फ्रिक्शन फोर्स विल बी टूवर्ड्स द राइट साइड सो इट विल बी म्यू एंड टू एंड रिजल्टेंट दिस टाइम विल बी लाइक दिस एट एन एंगल फाइव अब यहां पे भी वी कैन अप्लाई लामीज थ्योरम यहां पे भी वी कैन अप्लाई लामीज थ्योरम so this will be w this will be 220 and this will be r2 okay this is angle phi this is 30 degree right so now beta in this case what equation are we going to get what equation are we going to get w divided by sine of इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा वन एट वन ट्वेंटी प्लस फाइव इक्वल्स टू टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 220 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इसके इसके बीच का एंगल कितना हो गया बेटा 180 एटी माइनस फाइव इक्वल्स टू आर टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इसके इसके बीच का एंगल कितना हो गया बेटा सिक्सटी डिग्री सेट ऑफ अब अपने को निकालना क्या है we need w and we need अपने को R1, R2 से मतलब नहीं है अपने को डब्ल्यू और फाइ चाहिए ठीक है तो ये तो भाड़ में जाने दो इसको भाड़ में जाने दो अपने को इसको सॉल्व करना है तो कैन वी कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम हियर टू हियर क्या यहां से W की वैल्यू निकाल के वहां रख सकते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ W बेटा W विवल टू वन एटी साइन सिक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय वट बी साइन वन एटी माइनस फाइव साइन वन एटी माइनस फाइव क्या होगा एक बार मैं खुद निकाल के देख लेता हूं ओके साइन वन एटी माइनस फाइव इज साइन फाइव राइट एंड फ्रॉम हियर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टू ट्वेंटी साइन 120 ट्वेंटी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय साइन फाइव तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं बेटा लेट्स इक्वेट दीज टू तो ये हो जाएगा 220 ट्वेंटी साइन वन ट्वेंटी प्लस फाइव इक्वल्स टू वन एटी साइन सिक्सटी प्लस फाइव Now, if you you solve this, you are going to get the वैल्यू ऑफ फाइव तो सोल्व करो give me the value of ऑफ Solve this and give me the value of फाइव इसको सोल्व करके बताओ वर द वैल्यू ऑफ फाइव सॉल्व दिस एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ फाइव सॉल्व कैसे करेंगे अगर आप सोच रहे हो तो इसको एक्सपांड कर दो मेरे भाई साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी सिमिलरली 180 एटी साइन सिक्सटी कॉस फाइव प्लस कॉस सिक्सटी साइन फाइव ठीक है तो उसके बाद साइन और कॉस के टर्म्स को एक तरफ कर दो एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव जल्दी बताओ जल्दी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव अरे मेरे भाई अब ये अब यहां से एंगल निकालना भी मैं बताऊंगा तो फिर कैसे चलेगा यार दिस इज अंपल जोमेट्री ये 90 डिग्री है 180 एटी प्लस वन ट्वेंटी प्लस फाइव अरे ऐसे मत कर मेरे भाई पुनीत अब तुम लोगों को टेबल्स भी यहां मैं ही सिखाऊं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन भी मैं ही सिखाऊं ये तो पॉसिबल नहीं है ना वट इज द वैल्यू ऑफ फाई फाई कितना आ रहा हैज एनी वन सॉल्व दिस प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व किया अभी तक यह प्रॉब्लम हालांकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है बट हैज एनी वन सॉल्व दिस प्रॉब्लम चलो इसको ऐसे कर लेते हैं 220 ट्वेंटी 180 वन कितना होता है 1.22 तो ये हो जाएगा 1.22 ठीक है साइन 120 मैं पूरे को कॉस फाइव से डिवाइड कर देता हूं सो इट विल बिकम साइन 120 ट्वेंटी प्लस कॉस वन ट्वेंटी टेन फाइव इक्वल्स टू फिर इसको मैं कॉस फाइव से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा साइन सिक्सटी प्लस कॉस सिक्सटी टेन फाइव ठीक है आप लोगों को तो आलस आ रहा है सॉल्व करने में तो लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू ओके तो दिस विल बिकम हाउ मच इनटू साइन वन ट्वेंटी बेटा ये याद रखना गेट में इससे भी खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन आ जाते हैं ओके ऐसा मत सोचो कि गेट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है गेट में भी आध क्वेश्चन ऐसे लंबे कैलकुलेशन वाले आते हैं ठीक है ना बस अब क्या है अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में अब तो सॉल्व कर लोगे 0.056 0.866 डिडेड बायस इन दफाइव इज 0.61 पॉइंट सेवन आर यू आंसर नाइन पॉइंट सेवन वन आर यू 9.71 नाइन पॉइंट सेवन वन आई एम गेटिंग नाइन पॉइंट सेवन वन मेरे को तो नाइन पॉइंट सेवन वन मिल रहा है एक बार फिर लेट मी चेक वन पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंटेड बाई पॉइंट ऑफ आंसर नाइन पॉइंट सेवन वन आर यू गेटिंग इज एनी वन गेटिंग नाइन पॉइंट सेवन वन इज एनी वन गेटिंग नाइन पॉइंट सेवन वन यस yes, चलो सो so बेटा अच्छा अपने को ये करना ही नहीं था अपने को सीधे टेन फाइव निकाल लेना था अपने को आंसर मिल जाता टेन फाइव यानी कि म्यू कितना आ रहा है हाउ मच इज टेन फाइव पॉइंट वन सेवन ओके सो एक आंसर मिल गया म्यू की वैल्यू आ गई पॉइंट वन सेवन और दूसरा आंसर आप इसमें से कहीं पे भी एक जगह फाइव की वैल्यू रख दो so w equals to 180 sin 60 plus 5 upon sin 5 so put the value of phi here and you are going to get the answer so 180 sin 60 plus what is phi 9.71 डिवाइडेड बाय साइन नाइन पॉइंट सेवन वन एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर थाउजेंड वन न्यूटन इज दिस द आंसर इज दिस द आंसर एवरी वन इज गडिंग थाउजेंड न्यूटन अराउंड थाउजेंड न्यूटन अराउंड अच्छा ये डिग्री में थोड़ी होगा थाउजेंड न्यूटन अराउंड थाउजेंड न्यूटन अराउंड थाउजेंड न्यूटन आ रहा so, है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो बेटा दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ठीक है कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन कैलकुलेशन डुएबल है और एग्जाम में आ सकता है यस चलो वेरी गुड थाउजेंड न्यूटन सो डब्ल्यू इज थाउजेंड न्यूटन एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज अराउंड पॉइंट वन सेवन ओके चलो सो शेल वी मूव ऑन शेल वी मूव ऑन री गुड नीतीश वेरी गुड चंद्रशेखर वेरी गुड अपेस्युअल वेरी गुड वेरी गुड गौरव वेरी गुड हेमंत वेरी गुड ध्रुव वेरी गुड ब्रिजेश चलो लेट्स मूव ऑन सो दिसंटेस्टिक क्वेश्चन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अ फोर्टी के जी प्रैकिंग क्रिएट मस्ट बी मूव टू द लेफ्ट अलॉन्ग द फ्लोर विदाउट टिपिंग यहां पर ये वर्ड जो है ध्यान देने लायक है बेटा विदाउट टिपिंग ओके नोइंग दैट द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिट्वीन द क्रेट एंड द फ्लोर इज पॉइंट थ्री फाइव डिटरमाइन मैग्निट्यूड ऑफ द फोर्स पी अज्यूमिंग क्रेट डज नॉट टिप ओके तो मेरे भाई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ओके फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वॉट इज हैपनिंग

ये टिप करना स्टार्ट कर देगा नाउ आई वांट टू फाइंड दैट मिनिमम फोर्स पी विच इज रिक्वायर्ड फॉर टिपिंग हम ये देखना चाहते हैं कि कितना फोर्स पी आप लगा सकते हो कि इसमें टिपिंग ना हो तो मैं क्या अज्यूम करूंगा वॉट आई एम गोइंग टू अज्यूम आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट दिस बॉक्स इज जस्ट अबाउट टू टिप

Maximum, find the force P required to keep the block from moving down. In the first question, they were asking us to find the force P which is required for the block not to slide down. Right? So, what did we assume? We assumed that the block is just about to slide down. We assumed the limiting condition. So, similarly, in this question, they are saying we need to find the force P so that the block does not tip. So I am going to assume the limiting condition. I am going to assume it is just about to tip. That will be my limiting value of P. If my force P is slightly more than that, the block will tip. If my force P is less than that, the block will not tip. So do you understand? Do you understand? Thank you so much. Thank you so much, Muhammad Mas. Thank you so much. Okay. So, my brother, you. Have क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फोर्स पी नोइंग दैट द ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड द फ्लोर इज पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी अज्यूमिंग दैट द क्रेट डज नॉट स्लिप ठीक है हम ये अज्यूम करके चलेंगे दैट इट इज जस्ट अबाउट टू टिप ओके सो इन दैट केस इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बेटा इन दैट केस द एंटायर नॉर्मल फोर्स विल बी शिफ्टेड ऑन वन एज अब कौन से एज पे शिफ्ट करेगा यहां शिफ्ट करेगा या यहां शिफ्ट करेगा कहां पर शिफ्ट करेगा अंडरस्टैंड बेटा सो इफ आई अज्यूम दैट इट इज जस्ट अबाउट टू टेप जब ये टिपिंग करेगा तो मेरे भाई ऑब्वियसली इट विल बी स्टैंडिंग ऑन दिस एज राइट इट विल बी स्टैंडिंग ऑन एज सी तो मेरे भाई उस केस में द एंटायर नॉर्मल फोर्स विल बी शिफ्टेड हियर सो बेटा ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम अज्यूमिंग दैट कंडीशन उस कंडीशन को अज्यूम करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इट इज जस्ट अबाउट टू टिप मैं मान रहा हूं सो वॉट विल बी द फोर्स एक्टिंग एक तो फोर्स पी लग रहा है कुछ ऐसा ओके देन देर विल बी वेट ऑफ दिस फोर्टी के जी अज्यूम जी इक्वल टू टेन ठीक है एग्जाम में भी मोस्टली दे गिव जी इक्वल्स टू टेन ओके सो दिस विल बी फोर हंड्रेड न्यूटन देन द एंटायर नॉर्मल फोर्स विल बी एक्टिंग हियर ओके

And how many equations do we have? Equations kitne hai? We have three equations because in this case we know the dimensions. So we can apply the equilibrium equations, all three equilibrium equations. Summation of fx equals to zero, summation of fy equals to zero, and summation of m equals to zero. So three equations, three unknown.

कैन बी टेक मोमेंट एट पॉइंट डी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन क्या एन की वैल्यू निकाल सकते हैं पॉइंट बी पे मोमेंट लेके यस आई कैन टेक मोमेंट एट पॉइंट बी इफ आई टेक मोमेंट एट पॉइंट बी वी एम गोइंग टू गेट बेटा इफ आई टेक मोमेंट एट पॉइंट बी आई एम गोइंग टू सॉरी मोमेंट ऑफ पी विल बी गॉन आई एम गोइंग टू गेट मोमेंट ऑफ दिस दिस एंड दिस वट विमेंट ऑफ एन मोवमेंट ऑफ एन विल बी क्लॉक वाइस मोवमेंट ऑफ न्यू एन विल एंटी क्लॉक वाइस मोमेंट ऑफ फोर हंड्रेड विल ऑल्सो भी एंटी क्लॉक वाइस क्लॉक वाइस एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ठीक है तो मेरे भाई फटाफट से इक्वेशन लिख दो ये कौन सा कलर आ गया एन मल्टीप्लाइड बाई विस डिस्टेंस पॉइंट एट ठीक है

Yes, I will find the value of n from here. What will be the value of n? 400 into 0. 0.4 divided by 0. 0.8 minus 0. 0.35 into 0. 0.5. So it is going to be 256. Yes. Are you getting 256? Are you getting 256? N equals to 256. Aaray hai kya? यस इतना आ रहा है वेरी गुड गौरव नाउ बेटा वंस यू गेट एन अप्लाई समेशन समेशन ऑफ ऑफ एंड यू आर गोइंग टू गेट पी एक बार ये मिल गया तो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वस टू जीरो से वॉट यू आर गोइंग टू गेट पी कॉस अल्फा इक्व टू पॉइंट थ्री फाइव एन एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्व टू जीरो से पी साइन अल्फाइन विल बी इक्वल टू फोर हंड्रेड माइनस एन ये कितना आ रहा है 89.6 ये कितना आ रहा है 144 अब मेरे भाई क्या करना है इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर सो यू आर गोइंग टू गेट पी स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी सीधे लिख देते हैं ना अच्छा ठीक है पी स्क्वायर इक्वल्स टू एटी नाइन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर प्लस वन फोर्टी वन का स्क्वायर सो फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ पी बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा। अब ये मत पूछ लेना कि ये कैसे आया डोंट आस्क हाउ आई गॉट हियर इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर पी साइंस पी स्क्स स्क्वायर कॉ स्क्स स्क्स कॉ स्क्वल टू वॉट वन राइट इफ आई टेक पी स्क्वायर कॉमन साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉ स्क्वल टू 1 सो आर यू गेटिंग दिस शुभम का 58.1 कैसे आ रहा है 169.6 आना चाहिए आर यू गेटिंग दिस वैल्यू इज योर वैल्यू ऑफ पी 169.6 सिक्सटी वेरी गुड कार्तिकेयन बहुत बढ़िया 169.6 सिक्सटी यस दीपक 169.6 चलो बहुत बड़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सेलेंट एक्सिलेंट एक्सिलेंट सो बेटा इज दिस क्लियर टू एवरी क्या ये चीज सबको क्लियर है हाउ वी गॉट दिस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया तो so, बेटा टिपिंग वाला क्वेश्चन जहां पे भी आता है यू हैव टू अप्लाई द एंटायर नॉर्मल फोर्स एट वन एज ऑफ द बॉडी सो वी आर अज्यूमिंग द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू टिप so the entire normal force will be at edge c so this will be the answer p will be 169.6 newton okay let's move on to the next question and this is the next question in front of you a body of weight 500 newton is lying on a rough plane inclined at an angle of 25 degree with the horizontal it is supported by an effort p parallel to the plane as shown in figure डिटाम द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ट्वेंटी डिग्री अंडरस्टैंड बेटा अंडरस्टैंड क्वेश्चन में एक्जैक्टली क्या बोल रहा है इस बात को पहले समझो वी हैव अ बॉक्स विच इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ओके द इंक्लिनेशन ऑफ दिस प्लेन इज ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड द फ्रिक्शन एंगल इज ट्वेंटी डिग्री अंडरस्टैंड बेटा अगर फ्रिक्शन एंगल थर्टी डिग्री होता तो यह सवाल बनता ही नहीं क्यों बिकॉज इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन और इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन द बॉडी विल नेवर स्लाइड डाउन है कि नहीं अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है बॉडी कभी नीचे गिरेगा ही नहीं

वी आर अप्लाइंग अ फोर्स पी ऑन दिस ब्लॉक अब हम इस ब्लॉक के ऊपर सो इफ यू आर अप्लाइंग सो इफ यू आर अप्लाइंग ब्लॉक टू थिंग्स कैन हैपन अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स पी लगा रहे हो दो चीजें हो सकती हैं इफ द फोर्स पी इज वेरी लेस देन बॉडी विल स्लाइड डाउन ओके अगर फोर्स भी बहुत कम रह गया तो बॉडी नीचे गिर जाएगी एंड इफ द फोर्स पी इज वेरी हाई देन द बॉडी विल गो अप राइट अंडरस्टैंड फोर्स पी की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर फोर्स पी मिनिमम से कम हुआ इफ द फोर्स पी इज लेस देन दैट मिनिमम वैल्यू

स्ट अ सेकेंड बेटा लेट से मिनिमम एंड मैक्सिम वैल्यू आर हंड्रेड न्यूटन एंड थाउजेंड न्यूटन इसका मतलब क्या है इफ माई फोर्स पी इज बिट्वीन दीज टू वैल्यूज द बॉडी विल नीदर गो डाउन नॉर गो अपर मेरा पी का वैल्यू हंड्रेड से थाउजेंड के बीच में है तो ब्लॉक ना तो नीचे जाएगा न तो ऊपर जाएगा बट इफ माई फोर्स पी

दैट द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू गो डाउन जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें मैं अज्यूम करूंगा कि ब्लॉक जस्ट नीचे गिरने वाला है द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू गो डाउन सो इन दैट केस द फोर्स पी विल बी द मिनिम फोर्स रिक्वायर्ड ओके ना बेटा आई टोल्ड यू वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ऑलवेज रिजोल्व द वेट ओके And if you resolve the weight, this component is how much five hundred sine twenty five this will be the sine component and this will be the cos component this will be the normal force now I am assuming the block is just about to go down so beta this will be the friction force what is the value of mu they have given म्यू फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी डिग्री फाइव दिया हुआ है बेटा तो म्यू कितना हो जाएगा म्यू कितना हो जाए टेल मी द वैल्यू ऑफ म्यू पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स ओके तो यहां से कैन आई कैलकुलेट द पी मिनिमम आई कैन ईजीली कैलकुलेट द पी मिनिमम राइट यहां से मैं पी मिनिमम निकाल सकता हूं जल्दी से फटाफट बताओ पी मिनिमम कितना आ रहा है ओके एन विल बी इक्वल्स टू 500 हंड्रेड 25, ट्वेंटी ओके एंड पी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 500 हंड्रेड साइन ट्वेंटी फाइव माइनस पॉइंट थ्री सिक्स एन सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एन सो इट विल बी 500 हंड्रेड साइन ट्वेंटी माइनस पॉइंट थ्री सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड कॉस ट्वेंटी फाइव सो हाउ मच इज पी मिनिमम कोई बता सकता है पी मिनिमम कितना आ रहा है फोर्टी एट पॉइंट वन सेवन वेरी गुड अपेस फोर्टी एट पॉइंट वन सेवन न्यूटन 48.17 उन ब्लॉक नीचे गिरने वाला है मिनिमम वैल्यू मतलब इससे अगर कम हो गया पी तब ब्लॉक नीचे गिरेगा ठीक है नाव इन द सेकेंड केस आई विल अज्यूम द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू गो अप so in that case my p will be p maximum this is going to be 500 cos 25 this is going to be 500 sin 25 this is going to be n and this time the friction force will be towards left side because beta i am assuming the body is just about to go up फ्रिक्शन फोर्स विल बी डाउन ठीक है सेकेंड केस में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी जस्ट ऊपर जाने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे रहेगा अब बेटा यहां पे भी द वैल्यू ऑफ एन विल बी सेम एन यहां पे भी वही रहेगा 500 हंड्रेड कॉस ट्वेंटी फाइव बट यहां पी मैक्सिम विम फाइव हंड्रेड साइन ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट थ्री सिक्स एन तो so, यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी मैक्सिमम पिछली बार जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था बस इस बार वो एड कर देना है मेरे भाई इस बार वो बस एड कर देना है सो यू आर गोइंग टूट थ्री सेवन वेरी गुड अरविंद वेरी गुड ध्रुव वेरी गुड अपेश 374.44 न्यूटन सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ द फोर्स इज बिटवीन 48.17 एट पॉइंट वन सेवन एंड थ्री सेवेंटी फोर पॉइंट फोर फोर अगर मेरा फोर्स इन दोनों के बीच में है या इन दोनों के बराबर है या तो इन दोनों के बराबर या इन दोनों के बीच में द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट बट इफ माई फोर्स पी इज लेस देन दिस वैल्यू द ब्लॉक विल गो डाउन इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू द ब्लॉक विल गो अपरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ट क्वेश्चन ऑन दिससेप्टेरी गुड कार्तिकुड सैम्यूअल वेरी गुड हेमंत यहां पर आपने समझा देव यू सिंगल कंडीशन दे कैन आस्क यू वट इज द मिनिमम फोर्स पी और दे कैन आस्कू वट इज द मैक्सिमम फोर्स पी और दे के रेंज ठीक है रेंज भी पूछ सकते हैं ओके वेरी गुड पंकज चलो So, let's move on to the next question, and this is the next question in front of your screen. A block A, moving weighing one kilonewton, rests on a rough inclined plane. A block A, weighing one kilonewton, rests on a rough inclined plane whose inclination to horizontal is 45 degree. This block is connected to another block weighing three kilonewton, rests on a rough horizontal plane by a weightless rigid bar inclined at an angle 30 degree find the horizontal force p to be applied to the block b just to move the block a in upward direction assume angle of friction is 15 degree for all the surfaces now understand this question beta in this question we have two bodies connected together और ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम वट डू यू डू यू सेपरेट आइसोलेट एंड यू ड्रॉ टू फ्री बॉडीज से राइट ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं मेरे भाई हम दो अलग अलग बॉडीज का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यहां पे भी कुछ कुछ वैसा ही करना है ओके सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल ए एंड बी आर कनेक्टेड टूगेदर बाई दिस रॉड

ट दम so दोनों को आइसोलेट करते हैं इस रॉड से ओके okay? अब मेरे भाई हो क्या रहा है लाइक दिस like तो मेरे भाई यहां पर कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा एंड बदले में इक्वल एंड ऑपोजिट यहां पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा राइट right? हा की ना इज दिस क्लियर टू यू अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ए ब्लॉक पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा तभी तो ए ऊपर जाएगा और बी ब्लॉक पे कुछ ऐसा फोर्स लगेगा राइट right? तो मेरे भाई नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए फर्स्ट पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ओके बेटा व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए द ब्लॉक ए इज वेइंग वन किलो न्यूटन ठीक है फोर्सेस को किलो न्यूटन में निकालना है ओके सो लेट मी अज्यूम दिस टू बी वन ओके आई एम गोइंग टू टेक यूनिट्स एज किलो न्यूटन ओके नाउ देर विल बी अ फोर्स पी लाइक दिस ठीक है एंड देर विल बी ए नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स कैन ना इट डायरेक्टली टेक रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स आई कैन अपलाम ओके आई वॉन्ट टू अपलाई लामीज थे कोशिश करता हूं यू कैन अपलापरेटली ऑल्सो आप चाहो तो एन और म्यू एन को सेपरेटली लो बट बेटा मैं दोनों का रिजल्टेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं ओके सो अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल फोर्स ओके ये नॉर्मल फोर्स रहेगा ठीक है एंड इट इज ट्राइंग टू गो अप फ्रिक्शन फोर्स विल बी लाइक दिस ठीक है तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ ऐसा होगा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओके ये हो गया एन ये हो गया म्यू एन और ये दोनों का होगा रिजल्टेंट अब रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल से कितना बना रहा है 15 डिग्री और ये नॉर्मल जो है वो हॉरिज़ॉन्टल से टोटल कितना बना रहा है नॉर्मल हॉरिज़ॉन्टल से टोटल बना रहा है 45 डिग्री तो रिजल्टेंट हॉरिज़ॉन्टल से टोटल कितना बनाएगा 30 डिग्री राइट right? देखो मैं इनको अलग अलग कलर से करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा ठीक है इसको 15 डिग्री दिखा दिया ठीक है ये एंगल है 45 डिग्री सो बेटा अंडरस्टैंड रिजल्टेंट इज मेकिंग 15 विथ एन एंड हॉरिजॉन्टल इज मेकिंग 45 फाइव विथ एन

बहुत आसानी से बेटा सिमेट्रिक बन रहा है ना यार सिमेट्री बन रही है P will be equals to R सिमेट्री बन रही है तो क्या मैं लिख सकता हूं 2P पी साइन थर्टी इक्वल्स टू वन किलो न्यूटन कैसे लिख दिया बेटा R साइन थर्टी प्लस पी साइन थर्टी आर इज इक्वल टू पी तो 2P पी साइन थर्टी हो गया इक्वल्स टू वन किलो न्यूटन और टू इंटू साइन थर्टी कितना होगा बेटा वन होगा तो यहां से P आ जाएगा मेरे भाई वन किलो न्यूटन ऐसी कंडीशन में ये तीनों फोर्स हमेशा बराबर होंगे ठीक है जब ऐसा आपको एक डायग्राम बने हमेशा ये चीज ध्यान देना वन किलो न्यूटन दिस इज P दिस इज R इन तीनों के बीच का एंगल इक्वल आ रहा है इन तीनों के बीच का एंगल आ रहा है इक्वल वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी तो ऐसे केसेस में आर विल बी इक्वस टू पी विल्वस टू वन किलोमीटर ठीक है ऐसी कंडीशन ऐसा केस जब भी बनेगा तीनों फोर्स आपस में बराबर होंगे ओके ऐसा केस जब भी बनेगा कि दिस इज आल्सो इंक्लाइंड एट 30 डिग्री दिस इज आल्सो इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड दिस इज वर्टिकल सो व्हाट विल बिकम द एंगल बिटवीन ऑल द थ्री अगर एंगल तीनों का इक्वल में इफ एंगलो भी आर पी वन तीनों बराबर होंगे ठीक है तो so, ये मैं अलग से सेपरेट कर देता हूं ये मेरा सेपरेट कैलकुलेशन है और ये मेरा सेपरेट कैलकुलेशन ओके okay? चलो सो so, नाउ बेटा वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पी कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि पी तो यह दिया हुआ है ना आई कान टेक दिस पी इसको शुड आई टेक टी इसको मैं टी ले लेता हूं ठीक है इसको मैं टी ले लेता हूं सो so सॉरी इसको मैं टी लिख लेता हूं ठीक है I should write this T. So sorry, आपको अगर confusion हुआ हो तो so sorry, मैं उसको T ले लेता हूँ, ठीक है? I will consider it T, tension T, ठीक है? चलो, तो so now मेरे भाई, once I get T, now I can draw the FBD of block B and I will get the value of P. तो so block B का free body diagram बनाते हैं। दिस इज द फोर्स पी ब्लॉक बी का वेट है थ्री किलो न्यूटन ओके एंड यहां से आ रहा है टी विच इज वन किलो न्यूटन ठीक है एंड इट इज इंक्लाइंड एट थर्टी डिग्री ओके दिस इज एन एंड

Okay, now, by solving this, we can easily find the value of p. How we can easily find the value of p summation of f y equals to zero, say I am going to get the value of n. so n will be equals to three plus one this is thirty sine thirty. तो एन विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये थ्री पॉइंट फाइव किलो न्यूटन देन समेशन ऑफ एफ एक्स इक्व टू जीरो से p विल बी इक्वल्स टू 0.27 n सेवन एन प्लस वन कॉस ये हो जाएगा 0.27 टू 3.5 इंटू प्लस कॉस

1.81 चलो तो मेरे भाई दिस वाज अ प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज एंड वी इंक्लूडेड द ऑफ फ्रिक्शन आई होप ये वाला कैलकुलेशन सबको समझ में आया होगा एंगल वाला कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी बढ़िया होने वाला है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मूव दर्टी के जी ब्लॉक अज्यूम पुली टू बी फ्रिक्शनलेस

एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ देन हाउ मेनी अनोन्स आई एम गोइंग टू गेट एक नॉर्मल फोर्स आएगा एक ये पी रहेगा और ये टेंशन टी आएगा सो पी एन एन टी देर विलोन्स एंड यू विल हैव ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन डू यू सी द डायमेंशन हियर क्या so moment, okay? यहां लेंथ वगैरह दिए हुए हैं सो वी कांट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मूवमेंट ओके यहां इक्वेशन ऑफ मूवमेंट नहीं लगा सकते तो so बेटा नॉर्मल फोर्स ये P और ये टेंशन T आपको तीन अनोन्स मिल जाएंगे सो यू कान कंसिडर ट्वेंटी के जी एंड थर्टी के जी ब्लॉक टूगेदर सो यू नीड टू सेपरेट ट्वेंटी के जी एंड थर्टी के जी ब्लॉक आपको ट्वेंटी के जी और थर्टी के जी ब्लॉक को सेपरेट करना पड़ेगा तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ ऑफ देम सेपरेटली सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्वेंटी के जी ब्लॉक में ट्वेंटी के जी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ओके ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्वेंटी के जी ब्लॉक सो ट्वेंटी के जी ब्लॉक पे दिस इज द टेंशन टी ओके जी को टेन ले लेना रे मेरे भाई टू हंड्रेड न्यूटन मी कंसिडर द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दम एज एन वन ओके नाउ अंडरस्टैंड बेटा ब्लॉक ऑफ थर्टी के जी इज ट्राइंग टू मूव लेफ्ट थर्टी के जी का जो ब्लॉक है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो थर्टी के जी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड आएगा आएगाजी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड आएगा सो so बेटा ट्वेंटी के जी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आएगा लेफ्ट साइड आएगा ना लेफ्ट साइड आएगा तो मेरे भाई ध्यान से समझना थर्टी के जी is trying to move towards left so on 30 kg friction force will be towards right so on 20 kg friction force will be opposite friction force will be towards left okay so now beta this will be my free body diagram point 4 n1 okay so from here i will get the value of n1 i will get the value of t what is n1 n1 will be equals to हंड्रेड एंड विल बी एन वन हो गया टू हंड्रेड न्यूटन और एटी हो गया सॉरी t हो गया 80 न्यूटन n1 वन इज टू हंड्रेड न्यूटन एंड टी इज एटी न्यूटन नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ थर्टी के जी ब्लॉक अब थर्टी के जी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं

एंड बेटा देर विल बी वेट ऑफ दिस थर्टी के जी वेट ऑफ दिस थर्टी के जी यानी थ्री हंड्रेड मी कॉल इट एन टू और ये हो जाएगा बेटा म्यू एन टू ये हो जाएगा बेटा म्यू एन वन तो ये हो गया पॉइंट फोर एन वन ये हो गया पॉइंट फोर एन टू ओके तो अब यहां से कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अफकोर्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नाव अफकोर्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नाउ ओके तो बेटा P की वैल्यू कितनी आएगी N2 टू विल बी to टू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड न्यूटन राइट समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो से N2 आ जाएगा 200 हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड देन बेटा P विल बी इक्वल टू पॉइंट फोर एन वन यानी पॉइंट फोर टू हंड्रेड प्लस पॉइंट फोर टू यानी पॉइंट फोर इंटू फाइव हंड्रेड प्लस टी यानी कि 80 सो so, पी कितना आ रहा है मेरे भाई थ्री सिक्सटी न्यूटन आर यू गेटिंग थ्री सिक्सटी न्यूटन इज एवरी वन गेटिंग थ्री सिक्सटी न्यूटन इज एवरी वन गेटिंग थ्री सिक्सटी न्यूटन चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड कार्तिकेयन वेरी गुड कार्तिकेयन मेरे भाई राजभर गोरखपुर इफ यू डोंट स्टॉप टेक्सटिंग लाइक दिस यू आर गोइंग टू गेट ब्लॉक्ड ओके आप ऐसे स्पैम करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा ठीक है फिर आपको पीडीएफ क्या लेक्चर भी नहीं मिलेगा मेरे भाई आप लोगों को मैंने क्या बोला है इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड पीडीएफ कहां मिलेगी ये कहां मिलेगा वो कहां मिलेगा तो शुरू से लेक्चर देखा करो ना आपको मैं सौ बार हर लेक्चर में बताता हूं कि ये टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ के लिए ये लिंक है आई डू इट एवरी डे एंड स्टिल पीपल कीप स्पैमिंग भी पीपल लोग जो है परेशान करते रहते हैं कि सर ये कहां मिलेगा वो कहां मिलेगा बुक कहां मिलेगी पीडीएफ कहां मिलेगी एक दिन मेरे भाई लेक्चर को शुरू से आखिर तक देख लो ठीक है उसमें मैं रोज शुरू में भी बताता हूं आखिर में भी बताता हूं रोज बता रहा हूं उसके बावजूद भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रही यार सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में पहुंच गए हो ठीक है स्कूल के बच्चे नहीं हो कि दस बार टीचर बताएगी कि बेटा यहां पे ये यह मिलेगा यहां पर ये यह मिलेगा यहां पर ये यह मिलेगा यहां पर ये यह मिलेगा ठीक है हर लेक्चर में आपको रोज बताया जा रहा है उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो मेरे भाई पता नहीं आप जिंदगी में कुछ ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे ठीक है चलो सो पी विल बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी न्यूटन सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम एंड देर इज फ्रिक्शन सो आई होप आज हम लोगों ने जितने प्रॉब्लम किए आप सबको समझ में आए होंगे वी सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन ओके ना बेटा अब इसके बाद जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन चालू करेंगे ओके एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में ंग टू सी न्यूली एडेड टॉपिक्स ऑफ गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन पिछले साल कुछ टॉपिक्स जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नए एड हुए थे तो उन टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि फ्रिक्शन जिन 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 केसेस में अप्लाई करके हम उसका यूज करते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल लैडर अब लैडर में फ्रिक्शन कैसे यूज होता है बेटा इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लैडर वी यूज फ्रिक्शन राइट लैडर को जब आप वॉल के ऊपर सपोर्ट देते हो तो फ्रिक्शन की वजह से वो स्लाइड नहीं होता तो लैडर फ्रिक्शन ठीक है फिर उसके बाद पुली के केस में फ्रिक्शन होता है ठीक है फिर उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन ठीक है फिर आता है वेज फ्रिक्शन देन आता है स्क्रू जैक देन आता है ब्रेक्स देन क्लच देन दे ओके तो बेटा दीज आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन ये वो सारे केसेस हैं जहां फ्रिक्शन का एक मेजर रोल होता है ओके सो वी आर गोइंग टू वन बाय वन कंसिडर ऑल दीज केसेज ओके वी आर गोइंग टू वन बाय वन ऑल ऑल टॉपिक्स टॉपिक्स अंडरस्टैंड लैडर फ्रिक्शन 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 बेल्ट रोलिंग वेज स्क्रू जैक ब्रेक ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो मेरे भाई अग, आ, आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी दे आर गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज सम ऑफ दीज टॉपिक्स वर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन गेट ट्वेंटी ट्वेंटी गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में देर वर क्वेश्चन फ्रॉम न्यूली एडेड टॉपिक्स जो नए टॉपिक्स एड हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे तो हो सकता है गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में भी देर माइट बी क्वेश्चन टॉपिक्स दैट्स वाई दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट ओके तो अब मेरे भाई नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट दीज प्रॉब्लम ओके नाउ संडे विल बी ऑफ सो वी विल हैव अनदर क्लास ऑन मंडे ठीक है अपना के टू के बैच का जो टाइम टेबल है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दिस इज कलम टू कलाम बैच डेडिकेटेड टू ए अब्दुल कलाम सर फॉर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू द क्लासेस विल बी हेल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे क्लासेज होंगी एवरी डे देवेंद्र नेगी सर इज टीचिंग थर्मोडाइनमिक्स एट सिक्स पी एम आई एम टीचिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एट सेवन थर्टी पी एम एंड मनीष मिश्रा सर इज टीचिंग मैन्युफैक्चरिंग साइंस एट 9 पीएम ठीक है तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी संडे विल बी ऑफ तो बेटा आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी मंडे को सेवन थर्टी पी एम दिस इज ऑफ आर के बैच ठीक है बैच का ये पूरा शेड्यूल है ओके एंड ऑफ यू आर आस्किंग मी अबाउट द पी डी एफ नोट जो है इस क्लास की भी आपको यही मिलेगी tinyurl.com/approved10 मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो बेटा टाइनील डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन ये चीज टाइप करो ओके वेब ब्राउजर पे एंटर मारो गूगल में सर्च नहीं करना डोंट सर्च इट इन द गूगल ना बेटा हियर यू कैन सी द एक्सेल शीट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट मशीन डिजाइन मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल टॉम एंड वाइब्रेशन ओके ना बेटा ओपन दिस मैकेनिक टू के बैच एक्सेल शीट मैकेनिक्स के टू के बैच एक्सेल शीट ओपन करने पे यू माइट सी दिस लाइन से यू विल सी ऑल दीज क्लासेस यू विल सी द क्लास लिंक क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल गेट दिस देखो मेरे भाई आज ही की क्लास चल रही है ओके टूडेज क्लास इज गोइंग ऑन ओके दिस इज टूडेज क्लास राइट दिस इज टूडेज क्लास आज ही क्लास है अभी अपन ने ये वाले प्रॉब्लम किए राइट right? तो बेटा आपको सीधे क्लास की लिंक भी मिल जाएगी एंड क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू आर गोइंग टू ओपन द नोट्स सो लास्ट क्लास नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड एवरी डे आई ट्राई टू अपलोड दिस आई ट्राई टू अपडेट दिस तो ये देखो बेटा लास्ट क्लास के नोट्स हैं पूरे नोट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे लास्ट क्लास के ये देखो दीज आर दी डी एफ नोट ओके सो आई एम अपडेटिंग ऑल दीज नोट्स एवरी डे तो बेटा अभी ये जो क्लास खत्म होगी इसके भी नोट्स विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स यहां पर अपलोड हो जाएंगे ओके okay? नोट्स पीडीएफ ओके सो यू कैन सी लेक्चर नंबर वन से लेक्चर नंबर टेन के पूरे पीडीएफ हैं आपको यहां प्रैक्टिस क्लास का लिंक भी मिल जाएगा ओके यू कैन सी द प्रैक्टिस क्लास लिंक ऑल्सो प्रैक्टिस क्लास आपको कहां मिल रही है बेटा प्रैक्टिस क्लास आपको मिल रही है स्पेशल में स्पेशल क्लास अन ऐप पे

फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल यू आर गोइंग टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माई क्लासेस मेरी क्लासेस की रेगुलर अपडेट मिलेंगी इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ आपको पता चलता रहेगा कब कौन सी क्लास हो रही है कब आपको प्रैक्टिस uh, क्लास करनी है एवरीथिंग विल बी अपडेटेड ओके और मेरे भाई यूट्यूब पे सारी चीजें हम लोग फ्री में तो पढ़ाई रहे तो आपको अगर सिर्फ लेक्चर्स देखनेस्ट वॉन्ट लेक्चर्स न अटेंड यूट्यूब लेक्चर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बट बेटा एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज इज देयर डेली असाइनमेंट डाउट क्लियरिंग सेशन पर्सनल गाइडेंस ऑल ऑफ दिस आर नॉट पॉसिबल ऑन यूट्यूब तो अगर ये चाहिए आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए देन टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेटमी टेल यू बेटा देर आर समॉप रैंकर्स फ्रॉम अन अकेडमी प्लस दिस ईयर ठीक है इस साल ए आई आर वन से लेके बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक्स जो है वो अन अकेडमी प्लस से आए हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस अलग अलग ब्रांचेस में अन अकेडमी प्लस के स्टूडेंट्स ने अंडर हंड्रेड रैंक अचीव किए बेटा लॉट ऑफ रैंक्स आर देयर अंडर हंड्रेड फ्रॉम अन अकेडमी प्लस सो इफ यू वॉन्ट टू बी अमंग दम अगर आपको लगता है कि अन अकेडमी प्लस पे आके आपका भी भला हो सकता है आपको भी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं देखो बेटा सिर्फ देखने हैं तो उसके लिए एक रुपया देने की जरूरत नहीं है आपको YouTube पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब कंप्लीटली फ्री बट देर आर समाइम्स फ्यू थिंग्स विच विल नॉट बी अवेलेबल ऑन YouTube और उन चीजों की वजह से रैंक पे फर्क पड़ जाता है ओके okay? Because of these small, small things, na, there will be a big impact on your rank. Okay. Daily assignments, question bank, guidance, doubt clearing. Because of these small things only, you will get a big impact on your rank. So, if you want that big impact on your rank, take an Academy Plus subscription right now. What are the advantages? So, beta, there are tools on an Academy Plus which are really going to help you. For example, this is a live poll and leaderboard.

मल्टीपल एग्जाम्स यू कैन सी माई बैच नेगी सर्स बैच यू कैन सी दीज मल्टीपल बैचेस तो आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं यू कैन टेक पार्ट इन एवरी बैच यू वॉन्ट दिस इज योर चॉइस ओके सो टेकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर वन एंड अफ ईयर और टू इयर एंड यू कैन यूज दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट टेन परसेंट ऑफ आप ये कोड यूज कर सकते हैं दस परसेंट ऑफ के लिए और अगर आप सोच रहे हैं दैट इट इज नॉट अफोर्डेबल लेटमी गिव यू

आप इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया और जो लोग सोचते थे कि ऑनलाइन पढ़ के शायद रैंक नहीं आएगी उनको मैं बता दूं बेटा ए आई आर वन भी अन अकेडमी प्लस के स्टूडेंट्स आ चुके हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस ठीक है तो अगर ए आई आर वन भी ऑनलाइन क्लास लेके आ रहा है तो आप सोच सकते हो कि ऑनलाइन क्लासेस का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है so beta if you want to be that guy if you want to create that impact take an academy plus app iconic subscription where you are going to get a personal coach okay for one year and two year you can take iconic subscription where you are going to get a personal coach so if you want to take an academy plus subscription don't forget to use this code and if you have anything to ask if you have any doubts if you have any confusion any query then you can message me on यू कैन मैसेज मी ऑन अन अकेडमी ऐप आप अन अकेडमी ऐप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो और बेटा यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम यू नो वेयर टू फाइंड मी यू नो हाउ टू फाइंड मी ठीक है आपको पता है मुझे कैसे ढूंढना है ओके चलो चलो सो बेटा बिफोर लीविंग डोंट फॉर्गेट टू हिट द लाइक बटन शेयर द लिंक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ठीक है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच एन्यूल थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सुबेटा आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर बाय बाय गुड नाइट